तो हम लोग बात कर रहे थे फीमेल सेक्स ऑर्गेन की। फीमेल सेक्स ऑर्गेन का नाम हमने रखा गायनेसियम, है ना। और गायनेसियम के यूनिट को हमने कहा कार्पेल और पिस्टिल। फिर हमने कहा एक कार्पेल और पिस्टिल का बॉडी का पार्ट क्या क्या था। ऊपर वाले रिसेप्टिव ऑर्गेन का नाम रखा गया स्टिग्मा। ये वो पोर्शन है जो आने वाले पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। फिर हम लोग आते हैं स्टॉक जो कनेक्ट कर रहा था स्टिग्मा और नीचे के बल्ज पोर्शन को, जिसका नाम हमने रखा ओवरी। इस बीच वाले पोर्शन का नाम था स्टाइल। और फाइनली नीचे जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा था इसको हमने कहा ओवरी, और ओवरी के अंदर मिल रहा है ओव्यूल। अब हम लोग ये कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्पेल मे बी मोर। अब जब बहुत से कार्पेल होंगे तो दो बात हो सकती है, या तो ये कार्पेल आपस में जुड़े रहेंगे, अगर ये जुड़े रहते हैं तो हम लोग एक नया टर्म यूज कर रहे हैं। अब हम लोग गैमो और पॉली शब्द नहीं बल्कि एपो और सीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो टर्म फिर नए बन गए। एक टर्म है एपोकार्पस, मतलब कार्पेल्स आर फ्री। एपो शब्द का मतलब होता है फ्री, है ना, और सीम का मतलब होता है टुगेदर, आपस में जुड़े हुए, है ना। तो दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यूनाइटेड। तो शीम शब्द का मतलब हो गया यूनाइटेड और एपो शब्द का मतलब हो गया फ्री। तो अब फिर दो टर्म तुम्हारे पास हो गए, एपोकार्पस मतलब वेन कार्पेल्स आर फ्री, और फिर दूसरा टर्म आ गया सीन कार्पस वेन कार्पेल्स आर नॉट फ्री। ये दो टर्म आ गए। और हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें, है ना, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी कहते हैं। जब कार्पेल एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग इसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी कहते हैं। मल्टी मतलब मेनी, कार्पेलरी कंडीशन। तो अब अगर ये एक होते हैं तो कहते हैं सिंगल कार्पेल, मोनो कार्पेल, है ना, मोनो कार्पेलरी कंडीशन। तो टर्म होता है मोनो मतलब एक, है ना, कार्पेलरी कंडीशन। तो मोनो शब्द का क्या मतलब होता है वन, और मल्टी शब्द का मतलब होता है मेनी। तो कार्पेल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कार्पेल्स मे बी वन, कार्पेल्स मे बी मोर देन वन, है ना। और इसका मतलब जब कार्पेल ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो और आपस में जुड़े रहें, तो हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, सीन कार्पस कंडीशन। तो टर्म हो गया सीन मतलब टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हो। अगर एक से ज्यादा कार्पेल हो और आपस में जुड़े हुए नहीं हो, आपस में फ्री हो, तब टर्म हम लोग यूज करते हैं एपोकार्पस कंडीशन। अब एपोकार्पस और सीन कार्पस कंडीशन को दिखाने के लिए तुम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम को निकालो। एनसीईआरटी में तीन फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ होगा इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में तीन फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ होगा। इनमें से जो पहला डायग्राम दिया हुआ होगा वो चाइना रोज का होगा। देखना, ये चाइना रोज है, ये पांच स्टिग्मा दिखा रहे हैं और पांचों के स्टाइल आपस में जुड़ गए हैं, और ये नीचे ओवरी दिखा रहे हैं, है ना, ये हम लोग दिखा रहे थे। और ये एक पहला डायग्राम बना हुआ है। दूसरा डायग्राम बना हुआ होगा किसका, जो प्लांट है वो है पेपेवर सोमनीफेरम, ओपियम का प्लांट, है ना। ओपियम के प्लांट में हम लोग दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके दिखा रहे हैं। सारे प्लांट्स में जितने भी स्टिग्मा स्टाइल, है ना, कार्पेल थे, सभी आपस में कंबाइन कर गए हैं। ऐसे डायग्राम बना हुआ होगा। एनसीईआरटी के डायग्राम को निकालो और इसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो नंबर ऑफ कार्पेल्स आर मोर देन वन, नंबर ऑफ कार्पेल्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग पहले तो टर्म यूज करते हैं पॉली कार्पेलरी कंडीशन, है ना, या मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। अब ये आपस में जुड़े हैं या अलग अलग हैं। और तीसरा जो डायग्राम है वो चंपा, माइकेलिया चंपका का दिखा रहे होंगे डायग्राम में हम लोग, है ना, ये दिखा रहे हैं। ऐसे करके बहुत से कार्पेल्स लगे हुए दिखा रहे होंगे। तो एनसीईआरटी के तीसरे डायग्राम में ये माइकेलिया चंपका का डायग्राम दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये जो तीन डायग्राम है ना, इन तीनों डायग्राम्स में ये कंडीशन दिखाया जा रहा है। अब एनसीईआरटी के इन डायग्रामों को भी क्या किया सकता है, क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया सकता है। एनसीईआरटी में जितनी बातें है ना, उनमें क्वेश्चन से भी डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम के फोटोग्राफ को लेकर स्कैन करके क्वेश्चन में डाल दिया जाता है और पूछा जाता है इनका पार्ट का नाम बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेडिकल में। या ये फ्लावर कौन सा फ्लावर है, मतलब ये जो जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी में है, शुरू से लेके अंत तक एक एक डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, एक एक चीजें तुम्हारी दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन भी रेगुलर आ रहे हैं। हर साल दो मेडिकल में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग अब किसकी बात कर रहे थे, हम लोग इस चौथे सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे जिसका नाम हमने रखा गायनेसियम। अब देखो एक प्लांट के फ्लावर को ऑब्जर्व करने लगे तो चार बातें मिल रही थी। एक फ्लावर में कैलेक्स भी मिल रहा था, कोरोला भी मिल रहा था, एंड्रूसियम भी मिल रहा था और गायनेसियम भी मिल रहा था। मतलब फ्लावर में ये चार वर्ल्ड मिल रहा था, एंड्रूसियम एंड
गाइनोइसियम। अब इनमें से पहले दोनों का नाम हमने क्या बताया, कैलेक्स एंड कोरोला को हमने एक नया नाम दिया, इसका नाम था एक्सेसरी मतलब सहायक वर्ल्ड, और एंड्रूसियम और गाइनोइसियम को हमने फिर एक नया नाम दिया, इसका नाम हमने दिया नेसेसरी वर्ल्ड। क्या नाम दिया, एसेंशियल या नेसेसरी। ये दोनों शब्दों को हम लोग लिख रहे हैं नेसेसरी और एसेंशियल, और इसका मतलब समझ रहे हैं। फ्लावर के लाइफ में है ना, एक प्लांट के लाइफ में सीड बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सीड क्यों बनेगा, क्योंकि एक सीड से ही नए प्लांट का ग्रोथ होगा। तो ये सीड कैसे बना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का रिजल्ट था सीड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर गए और बन गया सीड। सीड को मिट्टी में लगाए तो उससे एक नया प्लांट डेवलप कर गया। तो इस नए प्लांट के ओरिजिन में किसका रोल है, सीड का। मत और सीड किससे बना, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनेसियम से बना। इन्हीं दोनों के मेल और दोनों सेक्स ऑर्गन से दोनों से एक एक गैमेट बना। एंड्रोसियम से बना मेल गैमेट और गाइनेसियम से बना फीमेल गैमेट, और इन्हीं दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ। मतलब एक प्लांट के लाइफ के लिए ये जरूरी है, नेसेसरी है। एक नए प्लांट के ओरिजिन के लिए ये एसेंशियल है, ये जरूरी है। इसीलिए एंड्रोसियम और गाइनेसियम को हमने क्या नाम दिया, हमने इसका नाम रखा नेसेसरी और एसेंशियल वर्ल्ड। क्यों रखा बच्चों, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि एसेंशियल है ये, नेसेसरी है। यही दो सेक्स ऑर्गेन है जो मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन से मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद ही सीड बनेगा, है ना। जब ये दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा तभी सीड बनेगा, और उसी सीड के अंदर में जायगोट होता है जो डेवलप करता है इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये हम लोग चार पार्ट का नाम देखे, कैलेक्स एंड कोरोला को हमने कहा एक्सेसरी, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हमने कहा नेसेसरी और एसेंशियल। अब जरा सा देखना शुरू करो, इसका मतलब नॉर्मल एक प्लांट में कैलेक्स कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों चीज मिल रहा होगा। ये चारों चीजें जब मिलेंगी तो फ्लावर को हम लोग कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। क्या नाम देंगे इसका, एक कंप्लीट फ्लावर। और ऐसे प्लांट में दोनों सेक्स मिल रहा है, ऐसे फ्लावर में दोनों सेक्स मिल रहा है, इसीलिए ऐसे फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं बाई मीन्स टू सेक्सुअल फ्लावर। क्या नाम दे दिया हमने इसका, हमने इसका नाम रखा बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो दो बातें हो गई फ्लावर में। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला तो है लेकिन एंड्रोसियम और गाइनेसियम में एक ही सेक्स ऑर्गेन है। क्या है, सिर्फ एक ही है, या तो मेल है एंड्रोसियम या तो फीमेल है गाइनेसियम, दोनों सेक्स ऑर्गेन एक ही फ्लावर में नहीं है। अगर ऐसा कोई फ्लावर दिखता है तो हम लोग ऐसे फ्लावर को कहते हैं यूनी मतलब एक सेक्स वाला फ्लावर। क्या नाम रखते हैं, ऐसे फ्लावर को वी यूज टू कॉल इट यूनी सेक्सुअल फ्लावर। अब हम लोग इसका एग्जांपल बताते हैं, और तुम जाके देखो अपने आसपास, है ना, अपने आसपास चले जाओ और पपाया के पेड़ को जाके देखो। अगर पपाया का बहुत सा प्लांट लगा हुआ है तो इनमें से बहुत से प्लांट में तो फल दिख रहा होगा, पपाया लगा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इस पपाया के बगीचे में दो चार प्लांट तो ऐसा दिखाई देगा जिसमें सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर है, एक भी फ्रूट नहीं है। अब क्या करो, उस फ्लावर को तोड़ो जिसमें फ्रूट नहीं है, और उस फ्लावर को भी तोड़ो जिसमें फ्रूट लगा हुआ था। ऊपर में फ्लावर दिखाई देगा, क्या देखोगे, जिसमें फ्रूट एक भी नहीं हुआ लगा हुआ है उस, वो मेल सेक्स ऑर्गेन को कैरी कर रहा है, वो एंड्रोसियम को कैरी कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है, वो एंड्रोसियम को कैरी कर रहा है, सिर्फ उसमें मेल ही है, और जिसमें फ्लावर के साथ फ्रूट लगा हुआ था उस फ्लावर में गाइनेसियम दिख रहा है। इसका मतलब मेल और फीमेल प्लांट मतलब फ्लावर अलग अलग था, एक प्लांट था जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगा हुआ था और दूसरा प्लांट ऐसा था जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर लगा हुआ था। मीनिंग बाय, ऐसे फ्लावर को तो हम लोगों ने नाम दे दिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक, है ना, हम लोग देखते होंगे यूनि शब्द का मतलब होता है एक, बाई शब्द का मतलब होता है टू, ट्राई शब्द का मतलब होता है तीन। तो व्हेन देयर इज ओनली वन फ्लावर हैविंग ओनली वन सेक्स वी कॉल इट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा ही प्लांट मिलता है जिसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंड्रोसियम भी मिलता है और गाइनेसियम भी मिलता है। जब दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन वाला प्लांट मिलता है हम लोग इसका नाम रखते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर।